दोस्तों फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज दोस्तों फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू होने वाली है। फ्लिपकार्ट पर इसका पेज भी डाल दिया गया है और ऐसे में लोगों ने स्मार्टफोन्स वगैरह खरीदने की तैयारी कर ली है। लेकिन बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हैं कई सारे फ़ोन्स के बीच में। तो यहाँ पर मैं एक क्विक कंपेरिजन लेके आया हूँ। यहाँ पर एक तरफ है रेडमी K20 Pro और दूसरी तरफ है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M51। अब M51 जो है ना वो आपको मिल जाता है अमेजोन पर मिलेगा, और यहाँ पर रेडमी K20 Pro जो है ना वो मिलेगा फ्लिपकार्ट पर। काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन में अंतर है, और ऐसे में कौन सा फ़ोन किसको ख़रीदना चाहिए वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे ख़रीदना पड़े तो मैं इन दोनों ही फ़ोन्स में से कौन सा सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर फटाफट क्विक कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो है ना यहाँ पर 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले जो है ना वो सैमसंग M51 में मिल जाती है, और K20 Pro में आपको 6.39 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पर पिक्सल डेंसिटी जो है ना Redmi K20 Pro में ज़्यादा मिल जाती है, और ऐसे में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 यहां पर Redmi K20 Pro में मिल जाती है, और M51 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऐसे में डिस्प्ले जो है ना उसको मैं बराबर रखूँगा। यहाँ पर डिस्प्ले में कोई खास अंतर है नहीं, यहाँ पर दोनों के साथ जा सकते हो। यहाँ पर हालांकि थोड़ी सी एडवांस या फिर यूँ कहें कि नए टाइप की डिस्प्ले यहाँ पर M51 में है, तो आप वो देख सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर चिपसेट की, अब चिपसेट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट यहाँ पर M51 में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट जो है ना वो आपको K20 Pro में मिल जाता है, जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने वाला है। लेकिन ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G के साथ मिल जाती है, और यहाँ पर UFS 2.1 दोनों ही फोन्स में मिल जाता है। तो यहाँ पर चिपसेट के मामले में Redmi K20 Pro काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसके बाद बात करें यहाँ पर कैमरा की, कैमरा मैन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर F1.8 अपर्चर के साथ M51 में मिल जाता है, लेकिन Redmi K20 Pro में 48 मेगापिक्सल का F1.7 अपर्चर के साथ में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको Redmi K20 Pro में मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात करें 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मिल जाता है M51 में, और 20 मेगापिक्सल का आपको Redmi K20 Pro में मिल जाता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ पर सैमसंग डेफिनेटली आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। 7000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की फास्ट चार्जर है, तो आप याद रखिए। और यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है केवल, और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है दोनों फोन्स में, FM रेडियो मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ पर साइड माउंट फिंगरप्रिंट आपको M51 में मिल जाता है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको Redmi K20 Pro में मिल जाता है। तो अब जो है ना ये हो गई इस स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या कुछ निकला नतीजा। तो यहाँ पर प्रोसेसर वाइज देखा जाए तो Redmi K20 Pro काफ़ी आगे निकल जाता है, लेकिन डिस्प्ले में लगभग दोनों ही फोन्स बराबर हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बड़ी डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर पंच होल कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, आप दोनों ही फोन्स के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं मेन डिपार्टमेंट कैमरा की। कैमरा में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा निकल जाता है सैमसंग का। यहाँ पर सोनी IMX 682 सेंसर दिया गया है, तो ऐसे में कैमरा डिपार्टमेंट के मामले में सैमसंग काफ़ी आगे निकल जाता है। और इसके अलावा बैटरी और चार्जिंग में भी यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी है और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो आपको लंबी बैटरी बैकअप मिल जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर कीमत की। 23,000 रुपये की यहाँ पर करेंट प्राइस दिखा रहा है, लेकिन 25,000 रुपये की कीमत के साथ ये फ़ोन आता है। हालांकि आपके पास HDFC का कार्ड वगैरह है तो आपको 2000 रुपये की छूट मिल जाएगी, तो ये भी लगभग 23,000 रुपये का ही पड़ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में मैं किस फ़ोन के साथ जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि 23,000 रुपये का ये भी अभी दिखा रहा है, और HDFC कार्ड लगा के अगर ये भी मुझे 23,000 का पड़ रहा है तो मैं जाऊंगा यहाँ पर Galaxy M51 के साथ में, क्योंकि Galaxy M51 में आपको अच्छी डिस्प्ले हमको मिल जाती है, अच्छा कैमरा मिल जाता है, अच्छी बैटरी मिल जाती है, अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है, नॉक सिक्योरिटी जो है ना सैमसंग की वो भी मिल जाती है।
तो ऐसे में प्रोसेसर छोड़ के सारी की सारी चीज़ें मुझे सैमसंग गैलेक्सी M51 में मिल जाती है। लेकिन एक ही चीज़ याद रखिए, इस सेल के दौरान आपको कार्ड पर ही डिस्काउंट मिलेगा ज़्यादा वैसे, और अलग से आप फ्लैट डिस्काउंट की उम्मीद आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिए आप। ये फ़ोन आपको 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा डालने पड़ेंगे इस फ़ोन में, और अगर मुझे 2 हज़ार रुपये ज़्यादा डालने पड़ेंगे फिर भी मैं इसी फ़ोन के साथ जाऊँगा। दोस्तों ऐसे में ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बता दीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।